कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे सीएम ना हो वो एक कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन गए। कॉम्प्रोमाइज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपॉर्चुनिस्ट लीडर है जिन्हें हमेशा अपने लिए सोचा अपने परिवार लिए सोचा। अज तो ढाई तीन साल पहला मैं ये गल शुरू की सी बीजेपी का बेसिकली कांग्रेस की कुर्ते पजामे च बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है उदो मेरी गल कोई मानता नहीं सी। बीजेपी अकाली दल का अलायंस उन्होंने राज दे विच माफिया पैदा होया ते साढ़े चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये नहीं चाहती सी पंजाब की जनता यह चाहती सी कि हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, इन्हों जाना चाहिए। यह किसी कांग्रेस ने या किसी होर व्यक्ति ने नहीं किया। जो कदे कैप्टन दे साथी सन अज यों इकट्ठे होके कैप्टन दुआले होए ने। जिवें कैप्टन ने नवी पार्टी दा ऐलान कीता पुराने साथी हमलावर हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू नूं हराउण दा दम भरन लई कैप्टन ने जो तैयारी खिंची है उस ते नवजोत सिंह सिद्धू ने वार कुछ इस तरीके दे नाल कीता है। तीन काले कानूनों का निर्माता जो पंजाब की किसानी दे विच अंबानी नूं लैके आया जिसने कारपोरेट घराणियां नूं नफा पहुँचाउण दे लई पंजाब दे किसानां छोटे व्यापारियां ते मजदूरां नूं बर्बाद कीता। पंजाब कांग्रेस प्रधान अते कैप्टन नूं कुर्सी तों लांभे करन च अहम भूमिका अदा करन वाले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन नूं काले खेती कानूनां दा निर्माता करार दे रहे ने। यह हमला इस लई भी अहम है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान अंदोलन दे सार्थक नतीजे निकलन ते बीजेपी नाल गठजोड़ दे संकेत दिते ने। इस लई हुण प्रधान सने वारों वारी कांग्रसियां ने इल्जामां वाले तीर अपने साबका कप्तान वल ताण लए ने। पर 9.5 साल इतिहास के पंजाब का मुख्यमंत्री होर कोई नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे। लेकिन इस बारी जिहड़ा मैंडेट मिलिया सीगा ये तमाम जिहड़े वादे माफिया खत्म करन दे वादे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए सी जिहदे विच असीं भी एमएलए सां। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे सीएम ना होण वो एक कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन गए। कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने तमाम उन्होंने लोगों कॉम्प्रोमाइज कर लिया जिन्होंने यह माफिया जिन्होंने राज च आया बीजेपी अकाली दल का अलायंस उन्होंने राज दे विच माफिया पैदा होया ते साढ़े चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सिस्टम नूं अपाहज बना दिता गया। सिस्टम नूं अपाहज बना दिता गया। इस जो सर्कस वेख्या होना तुसीं आम असीं छोटे हुंदे वेखदे सी इक रस्सी ते चलदा बंदा ते बैलेंस बना के रखदा है उहदे हत्थ च सोटी हुंदी है ते बैलेंस बना के चल रहा हुंदा ते जदों बैलेंस विगड़िया वह बंदा थले। सो ये बैलेंस उन्हां ने वगाड़िया जिहड़ा उतरान वाला काम है। पंजाब की जनता ये नहीं चाहती सी। पंजाब की जनता यह चाहती सी कि हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, इन्हों जाना चाहिए। ये किसी कांग्रेस ने या किसी होर व्यक्ति ने नहीं किया। और अज जिहड़ा गल्लां चल रही पार्टी बनाउण दियां जां ही इज टॉकिंग अबाउट कि असीं बीजेपी नाल अलायंस करांगे जां फलां, इह सारा सारा वो कॉम्प्रोमाइज का हिस्सा है। उस कॉम्प्रोमाइज का हिस्सा है। राजा वड़िंग ने जो दावे किए अते इल्जाम लाए उन्होंने पलटवार हालांकि अकाली दल ने भी किया। सालां दे विच एक माफिया का जन्म होया। कई प्रकार के माफिया पैदा हो गए। कई प्रकार के माफिया ने जन्म ले लिया। रेत माफिया, केबल माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया। जे ट्रांसपोर्ट माफिया की गल करिए वैसे तो तमाम माफिया का यह जन्म जिहड़ा सी इहदे जिहड़े बानी सी इहदे जन्मदाता सन वो जीजा साला सन यानी कि मेरे कहने तो भाव सुखबीर सिंह बादल ते विक्रम सिंह मजीठिया। कि 1700 करोड़ का कहिंदे भी इस हिसाब दे नाल पिछले साल घाटा पिया। उस घाटे के वास्ते तुसी अपने पिछले मंत्रियों नूं दोषी मनते हो कि नहीं मनते? तुहाडे तों पहला दो कांग्रेस के सीनियर लीडर ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸਕੈਂਡਲ ਚੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਪਾਂਡਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?